Yo everyone, this is Irfan and welcome to My Country My Ride. तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है My Country My Ride के एक और ब्लॉग में. तो आज My Country My Ride आया हुआ है दोबारा से Krazy अबाउट कार डीलरशिप पे. इसलिए आना पड़ा दोस्तों क्योंकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में छड़ी लगा दी इस गाड़ी की वीडियो के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ये गाड़ी ऐसी मॉडिफाइड है कि आप बता नहीं सकते कि क्या थार की भी ऐसी मॉडिफिकेशन हो सकती है. तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. तो आप ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और जानेंगे इस गाड़ी की डिटेल. तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके दोस्तों, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो अब डिटेल शुरू करेंगे Krazy अबाउट कार डीलरशिप पे. तो हमारे साथ होंगे जो यहाँ के ऑनर है अक्षत. क्या हालचाल? बहुत बढ़िया जी. लॉन्ग टाइम नो सी. लॉन्ग टाइम नो सी, बट टुडे वी सी ईच अदर. सबको एक बार हाय कर दो. हाय, हेलो. आपको और आपको व्यूज को बहुत मिस करा. और जल्दी जल्दी आपको बुलाएंगे, याद करेंगे. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर टाइम बाद आए हैं, वो कहते हैं ना कि देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं. भाई ये क्या लेके आए हो? ये मैं आज तक तो Krazy अबाउट कार के स्टॉक में मैं सिर्फ थार ही देखता था. अब इसके अंदर आप पहले गिनवाओगे कि क्या क्या हुआ है पहले, प्लीज बताता हूँ. सबसे पहले पेंट से शुरुआत करते हैं. जैसा आप देख सकते हैं मैट ब्लैक पेंट कराया हुआ है. ठीक है, बॉडी ओके, हार्ड टॉप है. ठीक है, टायर साइज आप देख ही सकते हैं, टायर अलॉयज ऑफ रोडिंग टायर्स है. यार एक बार टायरों के पास ही चलते हैं. ये देखो मेरी हाइट के हिसाब से भी ये टायर, ये देखो कहाँ तक आ रहे हैं. अक्षत, ये टायर का पर्पस क्या होता है वैसे? ये बेसिकली लुक के लिए होते हैं और ऑफ रोडिंग के लिए होते हैं. okay. ये इजीली पंक्चर भी नहीं हो पाते हैं. अच्छा, और आप लुक तो देख ही नहीं, कितना इंप्रेसिव हो जाता है. कहने का मतलब ये अक्षत कि फेंडर से लेके बॉडी से लेके टफन ग्लास से लेके एवरीथिंग से लेके टायर अलॉय से लेके सब कुछ चेंज है. सब कुछ चेंज है. अब ये पीछे से देखो, पीछे से अपने को क्या क्या मिलने वाला है इसमें? आप जैसे कि देख सकते हैं रियर बम्पर चेंज है. ओके, इसकी टेल लाइट चेंज है. ठीक है, ऊपर जो आप देख सकते हैं LEDs अलग से लगाई हुई हैं. ठीक है, सो दिस इज हार्ड टॉप. आप देख सकते हैं पूरी मजबूत है गाड़ी और इतनी सॉलिड है. चलाने में कैसी है? आपने तो रखी है. बहुत बढ़िया फील देती है, है? बहुत इंप्रेसिव है, बहुत अच्छी चलती है. और एक तरह से आप हेड टर्नर कह सकते हैं, हर भी मुड़ के देखता है. मतलब वो चीज़ें जो कोई मिस नहीं करना चाहता. रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी की. इसके अंदर मतलब देखा जाए तो अगर मिस्टर व्यास करीब आएंगे तो हम जैसे फ्रंट बम्पर की बात करेंगे तो ये भी कस्टमाइजेशन का पार्ट है. चेंज है, जैसे आप LED लाइट्स दे सकते हैं. आगे की हेडलाइट देखिए, चेंज है. ऑटो मार्केट हेडलाइट्स हैं. इसका बोनट चेंज है, फ्रंट ग्रिल चेंज है. अब ये जो फेंडर आप देखोगे इधर का, ये अब ये देखो कितना कितना ज़्यादा ब्रॉड हो गया. मॉन्स्टर ट्रक कह सकते हैं और सच में बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन है. कैमरे में आपको हल्के ऐसी गाड़ी दिख रही होगी लेकिन रियल लाइफ में ये गाड़ी बहुत ऊँची है, बहुत बड़ी है. अब एक बार इंटीरियर चेक कराता हूँ, आप उधर से आओ. अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि थार की सीटें भी नहीं रही, आपने वो भी चेंज करवा दी. आप फ्रंट सीट की बात करें तो वो भी चेंज है. ओके, रियर सीट जो है वो भी चेंज है, बकेट सीट्स. ओके, इसका पूरा फ्रंट डैशबोर्ड चेंज है. जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू शेप का लगाया हुआ है. 4x4 है. टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम भी मिलेगा आपको इसके साथ. यार सनरूफ नहीं करवाया यार, ये गलत कर दिया है. सनरूफ मॉडिफिकेशन करेंगे तो अलग से लग जाएगा. वैसे लग जाता है ना? बिल्कुल अलग से लग जाएगा. मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों होते हैं, ऑप्शन अवेलेबल. लेकिन अगर मैं इसके अंदर अगर बैठ के देखूं तो सीरियसली यार मज़ेदार है ये तो. मतलब थार में तो हम बैठे हैं लेकिन ये थार, मतलब ये नॉर्मल थार से बहुत ज़्यादा अपीलिंग है इस टाइम. ये वैसे तो चार बंदों के लिए तो कंफर्टेबल होगी. वैसे अगर बात करें तो शॉक वाली गाड़ी है. शॉक वाली गाड़ी है. एन ओ सी हर स्टेट के अवेलेबल है. और ये मॉडल क्या है? ये 2013 मॉडल है. 13 मॉडल है. 13 मॉडल है. अगर आप इसे महाराष्ट्र ले जाना चाहते हैं या कहीं भी ले जाना चाहते हैं पैन इंडिया, तो Krazy अबाउट कार पे इस गाड़ी की आपको पासिंग और एनओसी जो आप कहते हो वो भी यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बाकी अब यार चलते हैं ना फिर.
बिल्कुल जी, चलते हैं, मतलब राइड पे ही चलते हैं और देखते हैं कि कैसा इसका रोड प्रेजेंस है। तो आइए अब चलते हैं। हो गए दोस्तों, तो आप निकल चुके हैं थार की ड्राइव पे। और ड्राइव सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता क्या लगती है इस गाड़ी की, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी फॉर्च्यूनर भी इससे नीचे लगती है। बिल्कुल लगती है, सारी एसयूवीज इससे नीचे लगती है। इसकी यार अक्षर भाई, काफ़ी सारे भाइयों ने ना मेरे से पहले भी थार को लेकर ना रिलेटेड सवाल करे थे, उसका प्लीज़ जवाब दो। जैसे मॉडिफाइड हो जाती है, अब इसमें टायर थोड़े से ब्रॉड लगे हुए हैं, तो माइलेज पे कितना फ़र्क पड़ जाता है यार? माइलेज पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। थार आपको 9-10 एवरेज डेंसिटी दे देती है और हाईवे पे कुछ ज़्यादा दे सकती है। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि ये वाले टायर लगने के बाद गाड़ी की जो एवरेज है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी? नहीं, इसका कटिंग रेडियस थोड़ा कम हो जाता है। हाँ। अगर आप उसकी बात करें, अलाइनमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट उसके अलावा कोई इशू नहीं आता है। मतलब इंजन पे कोई ऐसा कोई नहीं होता कि कोई ज्यादा कोई लोड नहीं पड़ता? नहीं जी। भाई इंजन पे लोड कैसे ही पड़ेगा, क्योंकि लोग जो थार लवर्स हैं वो जानते हैं कि थार की जो रोड प्रेजेंस है और थार की क्या, ये मतलब इंडियन जी वैगन आप कह सकते हो उसे, लोग अपने हिसाब से मॉडिफाइड करवाते हैं। लेकिन अब मैंने ये देखा कि थार में बहुत ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन इस गाड़ी में एडवांटेज ये है कि अगर आपको स्टॉक गाड़ी करनी है तो आप स्टॉक भी कर लोगे इसे। स्टॉक गाड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन नहीं, अभी आप देखो, अभी हम रोड पे चल रहे हैं और कितनी ज़्यादा हाइट पे है। अगर मिस्टर व्यास अगर इसका हुड भी दिखाने की कोशिश करें तो हम इस टाइम काफ़ी ऊपर है। अब बाकी गाड़ियाँ देख सकते हैं कितनी नीचे लग रही है। सही में यार, वो देखो ब्रेजा देखो कितनी छोटी लग रही है, जबकि वो भी अच्छी खासी गाड़ी है भाई। ये देखो, हम ब्रेजा के साथ से जाएंगे अभी, ठीक है? अब ये देखना ब्रेजा, देखना कितनी है, देखो कितनी नीचे। स्कॉर्पियो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की सी नीचे ही ना हो। अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो काफ़ी सारे भाई कहते हैं कि चलो मेंटेनेंस फ्री गाड़ी कह सकते हैं। ये आपकी महिंद्रा हो गई, आपकी टोयोटा हो गई, हुंडई हो गई, ये मेंटेनेंस फ्री गाड़ियां हैं। ओके, इसको आप सर्विस कराइए चलाइए, कोई मेंटेनेंस नहीं मांगती है। कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई मेंटेनेंस, इसको तो बस डीजल डलवाना और चलाना है। अच्छा जी, बिल्कुल जी। यार ये तो बहुत सही हो जाएगा अगर इसमें मेंटेनेंस नहीं होगी। अब इसके अंदर अपने को अंदर से क्या क्या मॉडिफिकेशन हमने हुई है वो भी समझा दो एक बार। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड पूरा चेंज है। हाँ जी, न्यू शेप में जो डैशबोर्ड आया है इसमें वो लगाया हुआ है, ठीक है? इसमें स्टीरियो टच स्क्रीन है फिटेड। ओके, इसमें आपको जो फ्रंट सीट्स हैं और जो रियर सीट्स हैं वो सारी चेंज है। ओके, ये इंटीरियर छत है इसका, कपड़ा काफी अच्छा लग रहा है, स्मूथ है। हाँ जी, और हार्ड टॉप भी आपका आप देख सकते हैं, सॉफ्ट टॉप से हार्ड टॉप कराया हुआ है। इसके जो साइड व्यू मिरर्स आप देख रहे हैं, रैंगलर वाले साइड व्यू मिरर्स है भाई, मिरर भी सही बात है, रैंगलर वाले ना काफी बड़े इसके अंदर मिरर भी हैं। अभी हम 2 पे चल रहे हैं, अभी हम 2 पे चल रहे हैं। 4x4 से आपको ये होता है आपकी एवरेज थोड़ी कम हो जाती है, बट कहीं भी अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, किसी गड्ढे में फंस जाती है गाड़ी, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। ये किसी भी कंडीशन में चल जाएगी ना, किसी भी कंडीशन में चल जाएगी। मतलब इस पे तो मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी सर्दी ठंड, ये तो बर्फ में भी निकल जाएगी। निकल जाएगी। आप इसे लेके कहाँ कहाँ तक गए हो? आप जब बोलो ले सकते हैं। नहीं वैसे आप कहीं गए हो दूर लेके? मैं नैनीताल में लेके गया हूँ। अच्छा, लेके गया हूँ। कैसा रहा वहाँ पे? बहुत बढ़िया रहा। परफॉर्मेंस कैसा रहा? किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आया। अच्छे खासे स्लोप पे भी चढ़ जाती है 4x4 डाल के। तो भाई इसकी टॉप स्पीड अक्षर भाई ने बताई 120 तक ये जाएगी, बट अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 60 लीटर तो इसके अंदर डीजल आता ही होगा। हाँ जी, इसका अब बात करते हैं भाई इसकी पूरी डिटेल की, क्योंकि डिटेल ही रहने वाली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप सब वेट कर रहे हैं। अक्षर भाई ऐसे ऐसे प्राइस थार वाले प्राइस नहीं है कि रैंगले वाले प्राइस आ जाए? नहीं नहीं, थार वाले प्राइस ही मैंने आपको बताए हैं। तो फिर उतरे और जाने? जी बिल्कुल। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसकी पूरी डिटेल। ओके दोस्तों, आप ड्राइव लेके आ चुके हैं महिंद्रा थार जो मॉडिफाइड है, जो क्रेजी अबाउट कार के स्टॉक में अवेलेबल है फॉर सेल फॉर यू गाइस। सबसे पहले कांग्रेस भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन है, जस्टिफाइड है बिल्कुल। अब देखते हैं कि भाई वाजिब पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मुझे रैंगलर वाली हो गई है, लेकिन कि रैंगलर वाले पैसे ना हो जाएं इसके। नहीं, रैंगलर वाले पैसे नहीं, थार वाले पैसे ही होंगे। थार वाले होंगे ना? जी बिल्कुल। 2013 मॉडल है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी, दिल्ली रजिस्टर्ड कार है, ठीक है, पूरी मॉडिफाइड है, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर है। इसके हम 8.25 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 8.25 लाख रुपए। 8.25 बिल्कुल नेगोशिएबल? नेगोशिएबल है भाई। ये जो प्राइस है 8,25,000 रुपये, ये नेगोशिएबल है। अगर आप पैन इंडिया कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस गाड़ी में चाह रखते हैं, तो आप क्रेजी अबाउट कार डीलरशिप पे विजिट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए नंबर पे कॉल करके इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं या इसकी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। वैसे मैं भाई से पूछ लेता हूँ, भाई वैसे तो ये तो हमने आज ये गाड़ी दिखाई है मॉडिफाइड, बट हमारे पास स्टॉक क्या क्या रहता है?
स्टॉक में आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी BMW 7 सीरीज से लेके 3 सीरीज ओके, बाकी छोटी गाड़ी सुपर्ब से लेके वरना तक थार जैसी गाड़ी सब कुछ आपको सारी वैरायटी मिलेगी हमारे यहाँ। फाइनेंस ऑप्शन, इंश्योरेंस ऑप्शन, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। जी बिल्कुल अवेलेबल है, ऑफिस से सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। एक चीज बताओ, स्टार्टिंग रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डीलरशिप की, तो मिनिमम जो हमारा स्टॉक होता है वो कहाँ से होता है? मिनिमम आप कह सकते हैं 4.5 लाख से शुरुआत हो जाती है अच्छी लग्जूरियस गाड़ी की। अच्छा जी बिल्कुल, और तो बाकी अप टू तो कोई लिमिट ही नहीं है? अप टू कोई लिमिट नहीं है। और अगर ब्रांड की बात करें तो क्या क्या ब्रांड में डील कर रहे हैं? ब्रांड्स आपको मल्टी ब्रांड सारे ब्रांड्स मिलते हैं, सारे लग्जरी ब्रांड्स, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, पोर्शे, हर ब्रांड मिलता है आपको। और एक लास्ट इंक्वायरी मैं करना चाहूँगा इस वीडियो क्लोज करने से पहले, जैसे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत दूर से देख रहे होते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते, वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज मांगते हैं। जी बिल्कुल, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है इस गाड़ी में और वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जैसे कोई आउटस्टेशन पार्टी है जो दिल्ली एनसीआर से बाहर की है, हाँ, तो हम उनको भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हाँ, ट्रांसपोर्ट भी गाड़ी हो जाती है। ओके, आप एक तरह से होम डिलीवरी कह सकते हैं। हाँ, तो सारा कुछ अवेलेबल है आउटस्टेशन पार्टीज में भी, इंश्योरेंस, फाइनेंस, सारी फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं है ना? कैश ऑन COD नहीं है, कहने का मतलब ये है, अपार्ट फ्रॉम जोक, आपको अगर गाड़ी में इंटरेस्ट है, आपको डील क्रैक करनी है, तो ऑप्शन सारे अवेलेबल होते हैं अंडर वन रूफ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में हमें लिखना ज़रूर कि कैसा लगा आज का आपको ये ब्लॉग फ्रॉम क्रेजी अबाउट कार। और हम मिलते रहेंगे अक्षत भाई से जल्द, तो इसी के साथ माई कंट्री माई राइड मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंट्री माई राइड, सी यू ऑल, बाय बाय फ्रॉम क्रेजी अबाउट कार, और एक बार बाय जरूर, बाय बाय जी।